एक और जहां मैदानी इलाकों में जमकर कोहरा पड़ रहा है, कड़ाके की ठंड हर किसी को परेशान कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में पहले जैसी बर्फबारी नहीं दिखाई दी। इस बार पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बीत रही है जनवरी, पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं। शिमला से लेकर धरती की जन्नत कश्मीर से गायब हुई बर्फ। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड अटैक जारी। आधी जनवरी बीती, घने कोहरे से राहत नहीं। ट्रेन और हवाई सेवाओं पर असर, विजिबिलिटी कम। उत्तर भारत में आधी जनवरी के बाद भी कोहरे और कड़ाके की ठंड का सितम कम नहीं हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। फ्लाइट से लेकर ट्रेन सेवाओं पर कोहरे का असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर ब्रेक है। विजिबिलिटी घटने की वजह से दिल्ली में कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पा रही। खराब विजिबिलिटी के बीच कई ट्रेनों के लेट होने की वजह से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। जी सर, अभी आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए हैं तो डल लेक में तो बर्फ जमी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कश्मीर देख के। तो जहाँ भी बर्फ गिरेगी और तो टूरिस्ट आना चाहिए कश्मीर में। कश्मीर का काम काज भी अच्छा चलता है, कश्मीर की पब्लिक बहुत अच्छी है, बहुत कंप्रोमाइज करती है, और ये जो हाउस बोट वगैरह हैं ये बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं टूरिस्ट का। और मैं यही चाहता हूँ कि बर्फ थोड़ी गिरे, इस बार तो थोड़ा लेट हो गया लेकिन बर्फ गिरना चाहिए और टूरिस्ट इधर आए, जितना आएगा उसको कम्फर्टेबल ही रहेगा। कुछ ऐसा ही हाल एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे ने उड़ानों पर असर डाला है, यात्री बेहाल हैं। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स के डिले और रद्द होने की वजह से घंटों घंटों लोग परेशान हो रहे हैं। देश भर के एयरपोर्ट्स दिल्ली से जुड़े हैं, लिहाजा सभी एयरपोर्ट्स पर कमोबेश स्थिति एक जैसी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। दिल्ली में शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ घना कोहरा है और विजिबिलिटी कम। यूपी के कई स्कूलों में 8वीं तक के लिए 20 जनवरी तक छुट्टियां हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आधी जनवरी बीत जाने के बाद भी बर्फबारी नहीं हुई है। पहाड़ इस बार सूखे हैं। जो पहाड़ जनवरी में सफेद नजर आते थे, इस बार वहां बर्फ गायब है। कश्मीर से लेकर शिमला और उत्तराखंड के पहाड़ आधी जनवरी के बाद भी बिना बर्फ के हैं। देखिए 2004 के बाद अब तक का हम डाटा देखते हैं तो उसमें 2007 में -99% के आसपास डेफिसिट था बारिश और बर्फबारी का, और इस साल अभी तक -100% है। तो इस साल अगर पिछले करीब करीब हम 20 साल की बात करते हैं तो इस साल जो है सबसे कम जो है अभी तक की बारिश जो है हुई है। और जहां तक फोरकास्ट की बात है तो आने वाले 8 से 10 दिन कोई मेजर WD नहीं आने वाला है कि जिससे बर्फ होगी, बारिश होगी। तो आमतौर पर अगले 8 से 10 दिन जो है मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा प्रदेश में। पहाड़ों से बर्फ गायब है और मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ घना कोहरा जिंदगी को बेहाल कर रहा है। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से कोहरा, कोल्ड अटैक की डबल मुसीबत देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर और फॉग को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी है कि कोहरा होने पर गाड़ी चलाते वक्त, ट्रेवल करते वक्त सावधानी रखें, ड्राइविंग धीरे करें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। ट्रेवल शेड्यूल के लिए एयरलाइंस, रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट से संपर्क में रहें। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले उड़ानों की स्थिति भी चेक करें। हेल्थ एडवाइजरी को लेकर भी तमाम जानकारियां हैं। जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक बाहर निकलने से बचें, चेहरे को अच्छे से ढक कर रखें। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोग लंबे वक्त तक घने कोहरे में रहने से बचें। आधी जनवरी बीत चुकी है लेकिन पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का सितम। पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी गायब है। अमूमन कहा जाता था कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिसके चलते ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों का तापमान कम कर रही है, लेकिन इस बार न बर्फबारी है न बारिश, लेकिन ठंड ने आफत मचा दी। पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, हर जगह ठिठुरन से हाल बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।